सेंट्रल कोलकाता पार्क स्ट्रीट एरिया से यदि आप 30 मिनट ट्रैवल कर सकते हैं तो आपके लिए ये प्रॉपर्टी बेस्ट हो सकता है। और एक इंसान को रहने के लिए जो जो सुविधा चाहिए होगा वो सारा सुविधा आपको यहाँ पे मिलने वाला है वॉकिंग डिस्टेंस। उसके बाद ख़त्म होगा तो आपका लिविंग कम डाइनिंग एरिया शुरू हो जाएगा। काफ़ी स्पेसियस लिविंग कम डाइनिंग एरिया है और इसके साथ ही आपका बालकनी अटैच्ड है। उनचालीस लाख नब्बे हज़ार में ये प्रॉपर्टी आपके लिए लेके आए हैं। और ये इस प्रॉपर्टी का जो सेंट्रल कोलकाता में वैल्यू है मिनिमम 1 करोड़ में मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी कोई गारंटी नहीं है कि सेंट्रल कोलकाता में इस तरीके का प्रॉपर्टी आपको मिले। तो 2 BHK यदि आप ढूंढ रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि सेंट्रल कोलकाता के से यदि आपका थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े, जैसे कि पार्क स्ट्रीट एरिया से, सेंट्रल कोलकाता पार्क स्ट्रीट एरिया से यदि आप 30 मिनट ट्रैवल कर सकते हैं तो आपके लिए ये प्रॉपर्टी बेस्ट हो सकता है। सेंट्रल कोलकाता से या भवानीपुर से या न्यू अलीपुर से आप इजीली इस एरिया को एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि ये जो लोकेलिटी का बताएं, लोकेशन का बात करें तो ये बहुत ही प्राइम लोकेशन पे अवेलेबल है। NH6 के ऊपर है, आपको पता ही है नेशनल हाईवे NH6 के ऊपर प्लांटेड है लोकेशन। आपका सलब मोड़ जानते होंगे, यदि आप ज़्यादा कोलकाता में यदि आसपास रहते हैं तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हावड़ा में सलब मोड़ है, वहीं पे NH6 के ऊपर ये फ्लैट प्लांटेड है। और इसमें वो सारा सुविधा मिलने वाला है जो रहने योग्य होता है। और एक इंसान को रहने के लिए जो जो सुविधा चाहिए होगा वो सारा सुविधा आपको यहाँ पे मिलने वाला है वॉकिंग डिस्टेंस पे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे कोई तरह का परेशानी होगा, यहाँ तक कि यहाँ का पानी भी बहुत बढ़िया है। इसके अंदर वाटर प्यूरीफायर का सिस्टम लगाया गया है और इस तरह का 5-स्टार एमिनिटीज़ के साथ गजब का एमिनिटीज़ है। आजकल इस ज़माने में लोगों के पास समय नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जो है वर्चुअल साइट विजिट करें, और उसके बाद यदि साइट पसंद आता है, लोकेशन पसंद आता है, प्राइस पसंद आता है तो ही किसी भी फ्लैट को खरीदे, और अदरवाइज़ मत खरीदे। क्योंकि आपका पूरा गाढ़ा कमाई, आप जीवन भर जितना कमाते हैं वो सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल चीज़ होता है घर में निवेश करते हैं। और घर ही यदि आपके पसंद का ना हो तो निवेश करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो सबसे पहले हम आपको चाहेंगे वर्चुअल साइट विजिट कराना। अभी वीडियो में बने रहिए, सब कुछ दिखाने वाले हैं, इसका एमिनिटीज़ कैसा है और इसका जो बेडरूम वॉशरूम पूरा एक्सपीरियंस कराने वाले हैं कि इसका 2 BHK आखिर दिखता कैसा है। तो सब कुछ बात करने वाले हैं, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। 70% एरिया होगा वो पूरा का पूरा ओपन स्पेस है, यानी कि आपको बहुत ही ग्रीनरी लगेगा और बहुत ही वातावरण शांत लगेगा। आप इतना शांति और सुकून फील करेंगे कि हम क्या ही बताएं। आपको जब यहाँ पे आएंगे, साइट को देखेंगे, तब आपको अनुभव होगा। और यदि आप साइट विजिट करना चाहते हैं तो हमारा जो नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, कॉल कीजिए, हमारे टीम से बात कीजिए और इस जगह पे आइए। और इस जगह पे आने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, बस हमें कॉल करना पड़ेगा। पिक एंड ड्रॉप का फैसिलिटीज़ है, यानी कि आपको वहाँ घर से आपको उठाएंगे, आपको वापस दिखा के साइट घर पे वापस छोड़ देंगे। तो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज़ है और ये बहुत बड़ी सुविधा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगेगा। बहुत सारा लोगों ने मुझसे पूछा है कि साइट विजिट के लिए आपका कितना चार्ज रहेगा। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप साइट विजिट के लिए चार्ज देने के लिए तैयार हैं क्या? साइट विजिट के लिए चार्ज कौन देता है, आप मुझे बताइए। साइट विजिट के लिए चार्ज कोई नहीं देता है। आप फ्लैट देख रहे हैं, साइट विजिट के लिए चार्ज कोई देता ही नहीं। यदि आप रेपुटेड बढ़िया बिल्डर का प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं तो कभी भी आपका साइट विजिट के लिए चार्ज वगैरह आपको नहीं लगता है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल साइट ऐसे विजिट कर सकते हैं, हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं। तो एमिनिटीज़ वगैरह इसमें क्या क्या मिलता है हम आपको बता दें। सबसे बढ़िया रहेगा जिम, जिम ज़रूरी होता है आजकल जीवन के लिए, जिम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही शानदार वेल मेंटेन आपको जिम मिलने वाला है। एक पोडियम रहेगा, उसमें मल्टी स्पोर्ट्स रहेगा, प्री फंक्शन एरिया रहेगा। आप यदि कोई फंक्शन करना चाहते हैं, प्रोग्राम के लिए मीटिंग वगैरह करना है आपको, सोसाइटी का कोई काम हुआ तो मीटिंग वगैरह करना है, तो फ्री फंक्शन एरिया का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। उसमें क्या है कि आप लोग प्लान वगैरह बना सकते हैं, तो इस तरह का
प्री फंक्शन एरिया है, उसके बाद बैंकेट हॉल रहेगा, कभी आपके आपका बर्थडे हुआ, आपका कोई पार्टी हुआ, इस तरीके का कोई भी अनुष्ठान हुआ आपके घर में, तो इस चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं बैंकेट हॉल का। स्विमिंग पूल, आपने सभी प्रोजेक्ट में आप स्विमिंग पूल देखे होंगे, लेकिन कवाना बहुत कम प्रोजेक्ट में आप देखते होंगे, लेकिन इसमें स्विमिंग पूल के साथ साथ कवाना भी है, तो ये सुविधा आपके साथ मिलने वाला है। और मान लीजिए कभी गेस्ट आते हैं आपके घर में और उनको आपका रूम, मान लीजिए कि आप लोग जितने फैमिली है 2 BHK लिए हुए हैं, आप लोग सीटेड है, उनके लिए एक्स्ट्रा रूम वगैरह नहीं है, तो एक सुविधा यहाँ पे ये भी है। इसी एमिनिटीज़ में एक फैसिलिटीज़ और भी आपको मिल रहा है, जो कि गेस्ट हाउस का फैसिलिटीज़ है। 5 से 7 किलोमीटर में आपका स्कूल कॉलेज वगैरह देखने को मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल बगल में है, जो 10 मिनट के डिस्टेंस में है। बाकरा मार्केट एकदम पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे जा सकते हैं, 2-4 मिनट का वक्त लगेगा। यहाँ से कंट्री क्लब का डिस्टेंस जो है वो 10 मिनट का डिस्टेंस है। स्टेशन का जो दूरी है वो 10 मिनट से कम का दूरी है, तो सत्रागाछी स्टेशन पहुँच सकते हैं। हावड़ा स्टेशन का यहाँ से दूरी है। विद्यासागर सेतु ये देख रहे हैं, जो आप विद्यासागर सेतु जहाँ से आप इजीली सेंट्रल कोलकाता को रीच कर सकते हैं, उसका डिस्टेंस यहाँ से मात्र 20 मिनट का है। यहाँ से इको पार्क का डिस्टेंस जो है 30 मिनट का है, क्योंकि ये हाईवे के ऊपर है तो ईजिली कनेक्ट हो जाता है, और बहुत सारा एरिया से आप यहाँ से इको पार्क जा सकते हैं, तो 30 मिनट का डिस्टेंस है। पार्क स्ट्रीट का एरिया का डिस्टेंस यहाँ से 30 मिनट का है। साइंस सिटी का 30 मिनट का, अवनी मॉल का भी 30 मिनट का डिस्टेंस है, और जो हावड़ा स्टेशन का जो डिस्टेंस है वो भी 30 मिनट का डिस्टेंस है। यदि आप एयरपोर्ट यहाँ से पहुँचना चाहते हैं तो यहाँ से आपको लगेगा 40 मिनट का वक्त। तो ये सारा जो मेजर एरिया है, यहाँ से कनेक्टिविटी कैसा रहेगा, कितना टाइम लगेगा, ये मैंने आपको बताया। और जब तक आप साइट पे नहीं आएंगे तब तक आपको फिजिकली एक्सपीरियंस नहीं होगा कि इस प्रॉपर्टी को बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये एक प्रकार का ग्रेटेड कम्युनिटी का प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे 2 BHK 3 BHK दोनों तरह का फ्लैट अवेलेबल है, और यहाँ पे जो है नया टावर लॉन्च हुआ है उसमें भी फ्लैट अवेलेबल है। तो यदि आप विजिट करना चाहते हैं, साइट देखना चाहते हैं, हमारे टीम को कॉल कर सकते हैं। चलिए हम 2 BHK का सैम्पल फ्लैट में लेके चलते हैं, वहाँ एक्सपीरियंस आपको कराते हैं कि किस तरह का बेडरूम वगैरह होगा, किस तरह का वॉशरूम होगा, किस तरह का किचन होगा, और किस तरह का आपका लिविंग कम डाइनिंग एरिया और बालकनी हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। फ्लैट के आसपास का जो एरिया रहेगा वो बहुत ही नीट एंड क्लीन रहेगा, और बहुत ही शानदार आपका एक बहुत ही बढ़िया आपका डोर मिल जाता है। डोर से डायरेक्टली आप जब इंटर करेंगे तो आपका फॉयर एरिया, डायरेक्टली आपका घर नहीं दिखेगा, फॉयर एरिया दिखेगा। ये चीज़ होना बड़ा ज़रूरी होता है घर में, क्योंकि पड़ोसी आपके घर में क्या चल रहा है डायरेक्टली ना देख पाए, तो ये चीज़ होना ज़रूरी होता है फॉयर एरिया, उसके बाद लिविंग कम डाइनिंग एरिया शुरू होगा। तो आप फॉयर एरिया से जैसे ही आप इंटर करेंगे, फॉयर एरिया इतना सारा है, उसके बाद ख़त्म होगा तो आपका लिविंग कम डाइनिंग एरिया शुरू हो जाएगा। काफ़ी स्पेसियस लिविंग कम डाइनिंग एरिया है, और इसके साथ ही आपका बालकनी अटैच्ड है। एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, ये एक सैंपल फ्लैट है, इस तरह का फ्लैट आपको नहीं मिलेगा, ये फुली फर्निश्ड करके सैंपल के लिए रखा गया है। आपका जो है सेमी फर्निश्ड फ्लैट मिलने वाला है, तो ये चीज़ मेरा जो बताने का कर्तव्य था मैंने बता दिया आपको कि ये सैंपल फ्लैट फुली फर्निश्ड फ्लैट नहीं है, ये केवल सैंपल के लिए रखा गया है। बाकी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपको स्विचेस वगैरह मिल जाएगा, एसी का पॉइंट सही जगह पे आपको मिलने वाला है, और आप लिविंग कम डाइनिंग एरिया को देख सकते हैं। इस तरह से आप अपना सोफ़ा सेट भी लगा सकते हैं, 4-सीटर 6-सीटर देख सकते हैं कि किस तरह से आप अपना सोफ़ा सेट लगा सकते हैं। साथ में इस साइड अपना टीवी सेट कर सकते हैं, पैनल दिया गया है तो इजीली सेटिंग वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा। ग्लास का डोर हो जाता है जो डिवीज़न किया गया है, जो कि आपका बालकनी से और लिविंग कम डाइनिंग एरिया को जोड़ देता है एक ही साथ, तो ये बहुत ही बेहतर चीज़ है। इसको हम लोग जो है ग्लास का विंडो हटा के बाहर का ग्लास का विंडो आपको मिल जाता है, तो बाहर का वातावरण आराम से आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे बैठ सकते हैं, चिल आउट कर सकते हैं, 2-सीटर अपना आराम से यहाँ पे सिस्टम वगैरह लगाइए, इंजॉय कीजिए इस जगह को, अपने चाय नाश्ता के लिए इस्तेमाल कीजिए। जब तक इस जगह पे आएंगे नहीं, आप इस जगह के आसपास को देखेंगे नहीं, तब तक आपको विश्वास होने वाला नहीं है। ये जगह बहुत शानदार है, तो जब भी ये टॉप फ्लोर पे रहेगा तो और भी ज़्यादा मज़ा देने वाला है। तो ये आपका ये हो गया स्पेसिया का आपका बालकनी हो गया, तो बालकनी से बाहर का जो व्यू होगा काफ़ी शानदार होने वाला है। अभी क्या है कि बाहर का हम लोग देखने वाले हैं बाकी का रूम कैसा है, तो अभी इस डोर को हम बंद कर देते हैं और चलिए आपको बाकी का रूम दिखाते हैं। बेडरूम है, किचन है, कॉमन वॉशरूम है, किस तरह से दिखता है वो भी आपको दिखाते हैं।
इसी के साथ आपका ओपन किचन मिल जाता है, जो कि लिविंग कम डाइनिंग एरिया और बालकनी को एक्सेस करते हुए आपका एक शानदार किचन मिल जाता है। और किचन कुछ इसी प्रकार से होगा, चौकोर टाइप का होगा। आपका जो किचन में होगा वो कुछ इसी प्रकार से दिखेगा। टॉप आपका ये मिल जाएगा, ग्रेनाइट का प्रॉपर टॉप मिल जाएगा। स्पेस दिया रहेगा ताकि अपना फ्रिज वगैरह हो, यूटिलिटी हो, वो इस्तेमाल कर सके, इधर रख सकते। और एक एक्स्ट्रा स्पेस है यहाँ पे, वो भी दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे आइए, ये जो स्पेस है एक्स्ट्रा स्पेस है, यूटिलिटी पॉइंट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अपना वॉशिंग मशीन रख सकते हैं और उसके लिए आपका जितना भी फिटिंग्स रिक्वायरमेंट है वो आपको मिल जाएगा। साथ ही आपको एक स्टेनलेस स्टील का सिंक मिलने वाला है किचन में, जो कि शानदार होने वाला है। और स्विचेस वगैरह आपको जितना चाहिए वो मिल जाएगा, चाहे आपका ग्राइंडर मिक्सर सेट करना हो, चाहे आपका ओवन रखना है, तो उसके लिए आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें वो सारा फिटिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी हम लोग जो देख रहे हैं सैम्पल फ्लैट है, ये फिर एक बार बताना चाहेंगे। ये एरिया का यूटिलाइज आप अपने तरीके से कर सकते हैं। इस एरिया को चाहे तो आप बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सडनली ऑफिस का इस्तेमाल के लिए भी इस एरिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अब आपको दिखाना चाहेंगे आपका बाथरूम, बहुत ही स्पेसियस आपका वॉशरूम है। और वॉशरूम जो है बहुत ही शानदार है। इसमें आपको टॉप तक टाइल्स मिल जाएगा, नीचे नॉन स्किपेबल टाइल्स मिलेगा, और बाकी का जो फिटिंग्स है ना, जिस तरह से आप फिटिंग्स देख रहे हैं एज इट इज़, आपको हूबहू सेम टू सेम यही मिलने वाला है। इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। बाकी फिटिंग्स का क्वालिटी आप देख सकते हैं, या तो जॉनसन का आपको फिटिंग्स मिलेगा, या तो सेरा का फिटिंग्स मिलेगा, या तो जागुआर का फिटिंग्स मिलेगा। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का फिटिंग्स वगैरह मिलने वाला है। ये रहा आपका पहला बेडरूम, इसी गैलरी से एक्सेस कर सकते हैं। इसमें एक और बड़ी बात है, इसमें आपका एक भी एरिया वेस्टेज नहीं होने वाला है। बहुत ही बारीकी से हम लोगों ने काम किया है और बहुत ही बारीकी से इस एरिया का डिज़ाइन हुआ है, तो एक भी एरिया आपका वेस्टेज नहीं होने वाला है। बाकी ये जो एक भी ईंट से नहीं बना हुआ है, ये घर पूरा भूकंप रोधक घर है, एक भी ईंट इसमें नहीं लगाया गया है। ये पूरा एरिया जो है माइवन टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, पूरा कंक्रीट से बनाया गया है। तो घर में कोई भी कभी किसी प्रकार का सीलन या दिक्कत या पपरी जो उतरने वाला का समस्या है वो कभी नहीं आने वाला है। ये घर के साथ ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के साथ मिल रहा है। इसके साथ आपका पहला बेडरूम ये देखिए आप एक बार, बहुत ही शानदार पहला बेडरूम होने वाला है। और इसमें भी आप अपना एक स्टडी टेबल लगा सकते हैं। बाकी का जो एरिया है आप इस तरह से यूटिलाइज वगैरह कर सकते हैं। ये देखिए आप इस तरह से आपका एक बहुत बड़ा विंडो मिल जाएगा, साथ में आपका एसी पॉइंट उस जगह पे मिल जाएगा, जिससे कि एसी को आप वहाँ पे लगा सकते हैं और इस तरीके से अपने घर का डिज़ाइन करा सकते हैं। ये एरिया है, आप चाहे तो अलमीरा वगैरह रख सकते हैं, वार्डरोब वगैरह रख सकते हैं, नहीं चाहे तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ये आपका ऊपर डिपेंड करता है। इतना बड़ा बेड रखने के बाद भी काफ़ी स्पेस बच जाता है, जिससे कि आप आसानी से इधर उधर मूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ में ये एरिया आप एक विंडो के साथ साथ इस तरह से डोर वगैरह लगा सकते हैं, इस तरह से टेबल वगैरह रख सकते हैं, जिससे कि आप स्टडी वगैरह, चाहे तो आप अपना ऑफिस का काम यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाने वाले हैं मास्टर बेडरूम, कि मास्टर बेडरूम किस तरह से होने वाला है। तो ये देखिए ये रहा आपका मास्टर बेडरूम, और मास्टर बेडरूम में अगेन विंडो आपको दो मिल जाता है, वो बहुत बड़ी बात है। इसमें विंडो आपको दो देखने को मिलता है, और मास्टर बेडरूम का एक विंडो ये है और दूसरा विंडो वो रहा। आप अपना किंग साइज बेड रखने के बाद भी आपका जगह जो है स्पेसियस है, आप इधर उधर आसानी से मूव कर सकते हैं। इसमें जो है वॉशरूम दो है, एक है तो एक आपका कॉमन एरिया से आप यूज कर सकते हैं वॉशरूम को, और एक है जो आपका इसके साथ इस मास्टर बेडरूम के साथ एक वॉशरूम अटैच्ड है, सेम एरिया वाला वॉशरूम है, दोनों का साइज सेम है। और इसमें भी जो फिटिंग्स वगैरह देख रहे हैं वो सारा फिटिंग्स आपको एज इट इज़ मिल जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो बाकी का टेंशन नहीं है, आपका फिटिंग्स है, टॉप तक टाइल्स मिल जाएगा। इसमें जो है टॉप तक टाइल्स वगैरह मिल जाएगा, और फिटिंग्स का जो भी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से आपको एक बाथरूम में चीज़ें चाहिए वो सारा चीज़ आपको एज इट इज़ मिलेगा, जिस तरह से जो चाहिए, जो फिटिंग्स वगैरह है, जो कंपनी का जो हम लोग यूज करते हैं, जॉनसन सेरा और बाकी का जागुआर वगैरह यूज़ करते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है आपका। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का हम लोग जो है फिटिंग्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये रहा कंप्लीट 3 BHK का टूर। यदि आप लेना चाहते हैं हमारे टीम को कॉल कर सकते हैं, जो नंबर है डिस्प्ले पे लगा रहता है, हमारी टीम को कॉल कीजिए। और इस जगह को साइट विजिट के लिए आइए, अपने एक्सपीरियंस करने के लिए आइए। ये मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कैसा लगा ये आपका 3 BHK का फ्लैट। बाकी आप अपने साइट देखने आ सकते हैं, साइट विजिट के लिए आ सकते हैं, हमारी टीम को कॉल कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट साइट विजिट आपको दिखाया जाएगा, कोई चार्जेस वगैरह नहीं है।
पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज़ भी है, गाड़ी से पिक करके यहाँ पे लाएंगे, आपको साइट दिखाएंगे, फिर वापस आपको छोड़ देंगे, कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, साइट विजिट के लिए कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगता है। कई बार लोग पूछते हैं कि ब्रोकरेज वगैरह लगेगा क्या, तो ब्रोकरेज आपको बिल्कुल नहीं लगने वाला है। बिना ब्रोकरेज का हम लोग ज़्यादातर फ्लैट लेके आते हैं, 90-95% बिना ब्रोकरेज का जो है फ्लैट रहता है मेरा, तो ब्रोकरेज फ्री फ्लैट लेके आते रहते हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना ही मेरा ब्रोकरेज के बराबर होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टीम को कॉल कीजिए, जो डिस्प्ले पे नंबर है उसी पे कॉल कीजिए और साइट देखने आइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।